तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा कल को। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज और ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन, सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करो और वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर वीडियो को शेयर कर दो। तो ये मैच खेला जाएगा डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी एसीए वीडीसी एक क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। इंडियन समय के अनुसार 18 दिसंबर को दोपहर 1:30 पर ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें इस ग्राउंड की, तो इस ग्राउंड पे इससे पहले 8 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 5 मुकाबले जीती है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती है। एक मुकाबला टाइड रहा है और एक मुकाबला कैंसिल हो गया था। और अगर बात करें इंडिया और वेस्ट इंडीज की, तो इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक मुकाबला इंडिया ने जीता है, एक मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीता है और एक मुकाबला टाइड हो गया था और एक मुकाबला कैंसिल हो गया था। और अगर बात करें यहाँ पर पेस बनाम स्पिन की, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 59 रेट चिड़काए हैं, स्टाइग्रेड 42.96 और इकॉनमी रेट 6.03। स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर 43 रेट चिड़काए हैं, स्टाइग्रेड 42.74, इकॉनमी रेट 5.47। मतलब ये ऐसा विकेट है जहाँ पर स्पिनर गेंदबाजों के लिए भी हेल्प है और तेज गेंदबाजों के लिए भी हेल्प है। तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर विकेटें ज़्यादा ली हैं, स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज बराबर है, इकॉनमी रेट के मामले में अगर देखें तो यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ऐसा विकेट है जहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी हेल्प है और स्पिनर गेंदबाजों के लिए भी हेल्प है। और अगर बात करें इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है 256 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना है 356 रन, सबसे कम स्कोर बना है 79 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ है जहाँ पर 299 रन और सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ है 269 रन। और अगर बात करें यहाँ पर मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 28 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक क्लाउडी रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब आपको दिखाते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। सबसे पहले इंडिया की, तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, केदार यादव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और दीपक चहर। इंडिया की प्लेइंग 11 में केवल एक बदलाव होगा, जहां पर शिवम दुबे की जगह पर युजवेंद्र चहल को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं, तो शेहॉप, सुनील एमरीज, शिमरन हिटमायर, निकलस पूरन, रॉस्टन चेस, कैरन प्लाड, जेसन होल्डर, कीमो पॉल, हैडन वॉच, जेआर, शेल्डन कॉटरल और अल्जारी जोसफ। वेस्ट इंडीज की जो प्लेइंग 11 है वो वही रहेगी जो पहले मुकाबले में थी। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस ग्राउंड पे जिन बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिनको आप अपनी ड्रीम 11 टीम में चुन सकते हैं। तो विराट कोहली का इस ग्राउंड पे उन्होंने 556 रन बनाए हैं वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में। रोहित शर्मा ने इस ग्राउंड पे 183 रन बनाए हैं। शेहॉप ने इस ग्राउंड पे 123 रन बनाए हैं। शिमरन हिटमायर ने इस ग्राउंड पे 94 रन बनाए हैं। सुरेश अय्यर ने इस ग्राउंड पे 65 रन बनाए हैं। केदार यादव ने इस ग्राउंड पे 39 रन बनाए हैं। ये सारे जो प्लेयर हैं जिनके आंकड़े आपने मैंने दिखाए आपको, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में इस ग्राउंड पे ये रन बनाए हैं। और अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों ने जहाँ पर कुलदीप यादव ने 6 विकेट चिड़काए हैं इस ग्राउंड पे वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में, युजवेंद्र चहल ने इस ग्राउंड पे 4 विकेट चिड़काए हैं और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चिड़काए हैं और जेसन होल्डर ने 1 विकेट चिड़काया है। तो ये थे गेंदबाज, बल्लेबाज ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला इंडिया जीतेगा। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।